खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के होस्ट यानी कि स्टंट मास्टर रोहित शेट्टी से राजीव दातिया को पंगा लेना पड़ गया काफी महंगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल रोहित शेट्टी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद राजीव दातिया रोहित के हाथ जोड़ते हुए नजर आए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बताते हैं कि आखिर शो में क्या कुछ चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पर बात करें अगर खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की, तो 2 जुलाई से ये शो प्रीमियर हो चुका है और इसके 2 एपिसोड भी आ चुके हैं। इन दोनों एपिसोड में हमने काफी सारी चीजें देखी, खतरनाक स्टंट देखे, सभी कंटेस्टेंट्स का एक डेयरिंग अंदाज देखा और इसी के साथ एलिमिनेशन भी देखा। जी हाँ, एलिमिनेशन की बात सुनकर घबराइए नहीं, क्योंकि ये शो ही ऐसा है जिसमें ट्विस्ट कम नहीं होंगे और इस वाले सीजन को तो ऑलरेडी काफी अल्टीमेट बताया जा रहा था, तो ऐसे में ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। वेल, बात करें अगर राजीव दातिया की, राजीव दातिया को तो आप सभी जानते ही हैं कि वो कितने ज्यादा मजाकिया हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें मजाक करना थोड़ा सा महंगा पड़ गया। लेकिन शायद लगता है कि राजीव ने यहाँ कोई मजाक नहीं किया। अब भाई, उनको हिंदी नहीं आती तो नहीं आती, ऐसे में उनको इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी रोहित शेट्टी ने? वो सजा है राजीव दातिया का फोन। जी हाँ दोस्तों, रोहित शेट्टी ने राजीव दातिया को एक प्रॉमिस दिया, वो भी हिंदी में लिखकर, और उनसे पढ़ने के लिए बोला। अब वो कोई मामूली हिंदी नहीं थी, बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी थी जिसको राजीव दातिया पढ़ नहीं पाए और कुछ का कुछ पढ़ने लगे। इसके बाद रुबीना दिलायक ने उनकी मदद की, लेकिन रुबीना की बातों को रिपीट करने में भी राजीव अनेबल ही रहे, जिसके बाद रोहित शेट्टी ने सजा के तौर पर उनका फोन पानी में फेंक दिया। जी हाँ, राजीव दातिया जिनको सबसे प्यारी चीज उनका फोन है, उसको रोहित शेट्टी ने पानी में फेंक दिया। वेल, पानी में फेंकने से पहले और ये सारे मजेदार सेगमेंट से पहले रोहित शेट्टी ने राजीव से पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी चीज कौन सी है, जिस पर राजीव दातिया ने जवाब दिया उनका फोन। तो बस रोहित शेट्टी ने उनका फोन ही दाव पर लगा दिया, जिसके बाद राजीव दातिया काफी ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने भरपूर कोशिश की इतनी ज्यादा डिफिकल्ट हिंदी पढ़ने की, लेकिन भाई राजीव पढ़ नहीं पाए। और जब रुबीना ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तो उनकी बातों को भी रिपीट नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैं हिंदी नहीं पढ़ पाता। लेकिन इस बीच रोहित शेट्टी बार बार उनको फोन गिराने की धमकी देते रहे और लास्ट में रोहित ने सच में राजीव का फोन पानी में फेंक दिया, जिसके बाद राजीव दातिया रोहित शेट्टी के हाथ जोड़ते भी नजर आए। वेल, अपने फोन को बचाने के लिए राजीव पहुंच गए पानी में और उन्होंने बोट की हेल्प से अपना फोन खोजने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें अपना फोन नहीं मिला और यहाँ पर रोहित शेट्टी के हाथ जोड़ते हुए नजर आए राजीव दातिया और रोने लगे क्योंकि उनका फोन उनसे दूर कर दिया गया। वेल, अपना फोन तो सभी को प्यारा होता है, अब ऐसे में राजीव कैसे रहेंगे फोन के, हमें कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही फिल्मी बीट को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।